वेक्टर एडिशन जब शुरू किया था मैं, याद करो मैं बोला था कि दो मेथड से इसको करेंगे। पहला ज्योमेट्रिकली, और सेकेंड क्या था बाबू? मैथमेटिकली। याद कीजिए जरा, ज्योमेट्रिकली में सारा बात बता दिया गया था ना। पहला पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा दिया, फिर टिप टू टेल मेथड में पढ़ाया आप लोगों को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया। इसमें जा रहे थे तो यही ना बताया गया था, पहला जो बताया था वो क्या बताया था? पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हैव आई डाउट दैट कॉन्सेप्ट और नॉट? इसमें किसी को कोई डाउट रहा है? सारे केसेज याद है ना, एक बार रिकॉल कराने की जरूरत है? याद है ना पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? मैं बोला था कि किसी दो वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, ऑब्वियस उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, दूसरा डायरेक्शन भी होगा। रिजल्टेंट याद है ना, बताया गया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब अगर किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, व्हाट डज इट इंप्लाई? यू हैव टू थिंक ऑफ थ्री थिंग्स एट ए टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम, इज इट? एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए प्लस बी। टेन अल्फा क्या लिखते थे याद है ना एकदम? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें कोई शक तो है? उसके बाद बहुत सारे केसेस देखे थे हम लोग, थीटा 0 डिग्री होता तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड कर लेते थे ए प्लस बी, थीटा 180 डिग्री होता तो दोनों का डिफरेंस लेते। ऑब्वियस सी बात थी, रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड ग्रीडी, तो जिधर ज्यादा डायरेक्शन जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड रहा उधर ही ना गया होगा जी, बात तय है। उसके बाद थीटा 90 डिग्री देखा गया था, पाइथागोरस थ्योरम से बन जा रहा था थीटा ऐसे भी 90 डिग्री, तो कोस 90 का वैल्यू 0, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था? ए प्लस बी थीटा जब 0 डिग्री होता था तब। अब मिनिमम वैल्यू कब होता था याद है ना? मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी या मॉड ऑफ ए माइनस बी, कब? जब थीटा 180 डिग्री होता था तब। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं। रिजल्टेंट अगर चेक करना होता तो याद है ना, जब भी अगर कोई तीन पेयर दे देता कहीं पे भी, इस तरह का फोर्स का तीन सेट दे दिया या तीन फोर्स का एक सेट दे दिया, कहीं पे भी तीन फोर्स का एक सेट दे दिया, इक्विलिब्रियम में रहेगा या इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, उसके लिए चेक करने का तरीका बताया गया था आप लोगों को ना, किसी दो वेक्टर को ऐड करो, सॉरी किसी दो फोर्स को ऐड करो, किसी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड करो, वो आर मीन और आर मैक्स के बीच आना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है ना? आर मीन और आर मैक्स के बीच आएगा तभी ना जब नेट फोर्स उस पर जीरो कर पाएगा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें स्पेशल केस में बताया था याद करो, कंडीशन फॉर विच रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू आइदर वेक्टर, तो वहां पे बताया था क्या कि अगर ऐसा कंडीशन आया, एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज, एंगल बिटवीन वेक्टर्स मस्ट बी ऑब्ट्यूज, और उसके बाद क्या, रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। वहां पे कॉस थीटा का वैल्यू भी निकालते थे, कॉस थीटा किसके बराबर आता था? माइनस बी अपॉन ए, बी इज द वेक्टर विथ लोअर मैग्नीट्यूड, इज इट, अपॉन ए, ये कौन था? दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज फाइव, इज इट? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां तक समझा दिया। उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े ही हम लोग, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी किए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन किए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना आप लोगों को, पढ़ा हुआ है सारा चीज। उसके बाद हमने एक यहाँ पे बताया था आपको कौन सा, टिप टू टेल मेथड नाम है, केवल कंफ्यूज नहीं होना है, टिप टू टेल मेथड। अब बताइए टिप टू टेल मेथड में कौन कौन सा बताया था? पहला बताया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाबू, कौन सा? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। और उसके बाद क्या पढ़ाया है बाबू याद है ना? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन किए थे याद है? लास्ट का क्वेश्चन याद है? लास्ट क्लास का क्वेश्चन था याद है? उसको ट्विस्ट करके भी तो दे सकता है, तो ध्यान देना। अब हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे, क्या करेंगे मैथमेटिकली? याद करो इसमें सब्ट्रैक्शन भी पढ़े थे याद है ना? सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा था, डिफरेंस भी पढ़ा था, डिफरेंस कुछ था नहीं, केवल एंगल ही ना चेंज हो रहा था। चलते
हम लोग मैथमेटिकली डील करेंगे, मैथमेटिकली थोड़ा बहुत तो समझ लेते हैं फिर बात करें। याद करो मुझे जहां तक याद है, मैं आप लोगों को पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट पढ़ा दिया था शायद ना, याद है? व्हाइल डीलिंग विद द कांसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई हैव ऑलरेडी मेक यू इंट्रोड्यूस विद दैट, इज इट? पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट पढ़ाया गया था ना, शायद नहीं आया मतलब दिक्कत हुआ होगा, समझ में आ रहा? मुझे नहीं पता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। थ्री डी सिस्टम हमारा होता है ना, कौन सा सिस्टम है जी? थ्री डी सिस्टम। इधर कौन सा लेते थे हम लोग? मैं इधर बताया था आप लोग को एक्स, एक्स किधर आ रहा था? बोर्ड के बाहर ना। ये क्या था? वाई, वाई और जेड, ये बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रहा है, वाई और जेड किसमें? प्लेन में लाई कर रहा है। अब बताइए जरा, ये ऑल दीज थ्री एक्सेस आर मुचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर और नॉट? वॉट अबाउट द यूनिट वेक्टर्स? द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज वॉट? जे कैप। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज वॉट? आई कैप। द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज? जे कैप। रह गया था ना? अब बताइए कहीं पे भी पहुंच रहे थे आप, याद करो मैं बोला था आपको, समझिए जरा इस चीज को। यहां से अगर मैं बार बात बात कर रहा हूं, ध्यान देना जरा, यहां से ऐसे अगर आप इधर आए, इधर कितना x एक्सिस के अलोंग a यूनिट की बात हुआ, a x एक्सिस के अलोंग a यूनिट चला आपने, y एक्सिस के अलोंग कितना? b यूनिट। मतलब यहां से यहां b चला होगा एक, और z एक्सिस के अलोंग कितना? मैं शायद तुम लोग को पढ़ाया हूं यहीं पे, ये क्या है? c। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर बात करो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग? पहले x, उसके बाद y, उसके बाद कौन सा? जे। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है? ए कोमा बी कोमा सी, याद है ना? ये सब भी बताया हुआ था, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, याद है ना? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस प्लस yes, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इस पॉइंट टी का पोजीशन वेक्टर आप लिखते हैं कि नहीं, याद है ना? क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, यही ना ओपी वेक्टर था, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू पी, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O to P, याद करो लिखते थे ए आई कैप प्लस वट बीजे कैप प्लस सी के कैप, लिखा गया है, याद है सब? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका मैग्नीट्यूड निकालना जाता है, याद है? मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखलाया हूं ना, याद करो। ओपी वेक्टर यही रहा ना जी, दिस इज द ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी आप आराम से निकालते हो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, इसको हम लोग पहले भी मैं बोला हूं ऐसे लिखो या फिर क्या ऐसे लिखो, ये किसके बराबर होता है याद है ना? कैसे आया था सारा चीज बताया गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब इसी चीज का हम लोग बात करेंगे, इसी ये बात इसी के चर्चा करोगे अगर ध्यान से तो गौर करना जरा, पहले इसको कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ, पहले कॉपी कीजिए ध्यान से देखना जरा। आपको अगर बोला जाए यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ओपी, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ओपी, ओपी का स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या रहा? ए बी और सी, यही ना? वेक्टर कंपोनेंट्स क्या क्या रहा बताइए? वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ओपी, तो वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ओपी वेक्टर अगर लिखिएगा तो उसको यूनिट वेक्टर के साथ लिखिए, ए आई कैप कोमा बीजे कैप कोमा सी के कैप, कोई प्रॉब्लम? जैसे कभी पूछ देता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ देगा, मैं अभी पहले इसको कॉपी किया आप लोग, चलिए मिटा दो इसको, मैं बताता हूँ सब कुछ, इसको मिटा दो, चलो देखिए केवल आपके लिए, किसके लिए? आपके लिए।
याद करो, मैपिंग पढ़े हो ना आप लोग, मैपिंग में पढ़ाया हो ना, डायरेक्शन प्रेजेंट करना, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है बताया ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये सब सब चर्चा हुआ है ना। गुड, जैसे देखो शुभम पूछ रहा है इसलिए चल ही जाता हूँ थोड़ा सा। देखो ये ईस्ट रहा, ये क्या वेस्ट होता है, और ये क्या नॉर्थ, और ये क्या साउथ। अरे यही ना पढ़े हो, ये क्या है आपका ईस्ट है, ये क्या है आपका नॉर्थ है, ये क्या है आपका वेस्ट है, और ये क्या है आपका साउथ। अरे यही ना पढ़े हो। चलो अब इधर एक दो चीज हो सकता है, इधर जो आएगा बाहर उसको बोल सकते हो कि ग्राउंड पे एक पोल रखा हुआ, वर्टिकल पोल है, और अगर अंदर जो जा रहा हो क्या है, सोच सकते हो दैट कैन बी कंसिडर एज अ वेल, और एक कुआं की तरह कंसिडर कर सकते हो कि नहीं। तो जो जेड एक्सिस आएगा वो इधर आएगा, देखो इधर ऐसे, मतलब समझा रहा हूँ, एक इधर आ रहा होगा ऊपर की नहीं, तो ऊपर को दिखलाने के लिए मैं ऐसे दिखाता हूँ। देखो ये देख, इसका मतलब हुआ प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द बोर्ड कमिंग आउटवर्ड, कमिंग आउटवर्ड, ये क्या रहा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कमिंग आउटवर्ड, कोई दिक्कत। और यहां पे क्रॉस दिखला दे रहा हूं, क्रॉस इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड गोइंग इनवर्ड, गोइंग इनवर्ड, इज इट, कोई दिक्कत। अब सोचो जरा, जैसे देखो यहां पे पोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है पोल, मान लेते हैं पोल का लेंथ 4 मीटर, पोल का लेंथ है 4 मीटर, पोल का लेंथ क्या है 4 मीटर। आपको बोला कि आपको जो जाना है वो क्या करना है, आपको ईस्ट केलंग चलो 8 मीटर, ईस्ट केलंग यहां से चलना शुरू किए, 8 मीटर चले चले यहां तक पहुंचे 8 मीटर, फिर बोलेगा नॉर्थ केलंग चले 4 मीटर, नॉर्थ यहां से देखोगे नॉर्थ तो किधर, उधर ही नजर आएगा जी, इधर 4 मीटर, ठीक है। अब वहां पे पोल नजर आया, पोल का लेंथ कितना कंसिडर करा था मैं 4 मीटर शायद ना, अब पोल के चोटी पे पहुंचना है, ऊपर पहुंचोगे 4 मीटर, समझे ना, पोल पे चढ़े ना जी आप, पहुंचे ना वहां पे। अब आपसे पूछा आप कितना मीटर चले, तो इधर 8 मीटर, इधर 4 मीटर और ऊपर 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर करा आपने, एक्जैक्ट पाथ लेंथ ही ना डिस्टेंस होता है, 8 मीटर 4 मीटर 4 मीटर कितना 16 मीटर हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोल, तो यहां से लेके सीधे पोल पे ना गया, पोल के टॉप पे ना, तो आप उसको कैसे लिखते, तो उसको लिखने का तरीका था आपके पास क्या, इधर ए टाई कैप, अगर मैं मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस है, समझाने के लिए इसको क्या हमने माना एक्स एक्सिस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब अगर एक्स एक्सिस माना तो एक्स, तो एक्स डैश, ये वाई, तो ये कौन सा वाई डैश, इसके अलग यूनिट वेक्टर कौन सा कैप, इसके अलग यूनिट वेक्टर कौन सा कैप बाबू, कौन सा आई कैप, इसके अलग कौन सा माइनस आई कैप, इसके अलग कौन सा, इसके अलग कौन सा, और इसके अलग ऊपर जो आ रहा है, तो इसके अंदर जो जा रहा हो, तो आप आराम से लिख देते कि नहीं, क्या लिखते बताइए, एट आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता कि नहीं, नहीं समझ आया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो डिस्प्लेसमेंट ही निकल जाएगा, पूछा जाता है सब क्वेश्चन, तो फील आया, अभी भी फील नहीं आया, सोचो मैं मान ले, तो मान लेता हूं ऐसा समझाने के लिए, इधर चला ईस्ट केलोंग 4 मीटर चला, ईस्ट केलोंग कितना 4 मीटर, ईस्ट से किधर चला गया वो नॉर्थ केलोंग चला 8 मीटर, ईस्ट केलोंग 4 मीटर, नॉर्थ केलोंग 8 मीटर, और वो वहां एक कुआं था जो 10 मीटर का डेप्थ था, उसका कुआं में गिर गए, तो क्या होता 10 मीटर अंदर चले गए ना, तो अगर आपसे पूछता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बताते क्या, इधर कितना चला था 8 मीटर ना, 4, तो 4 चला था, तो 4 आई कैप, इधर कितना 8 जे कैप,
फिर कुआं में चले गए, माइनस टेन के कैप, अरे हो जाता कि नहीं, माइनस टेन के कैप, तो डिस्प्लेसमेंट लिख देते कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं बताइए, एट आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टेन के कैप, मैग्नीट्यूड निकल जाता कि नहीं, पोजिशन वेक्टर इसलिए बताया गया, बात समझ में आ रहा है। बोल सकते हो कि अगर एक ओपी वेक्टर है, जैसे ये ओपी वेक्टर लिखे हो, ये ओपी वेक्टर है ना, तो अगर बोला जाए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी, कंपोनेंट्स मतलब इसका पार्ट ना, कंपोनेंट्स ऑफ ओपी वेक्टर, तो बताइए कंपोनेंट्स ऑफ ओपी वेक्टर की अगर बात करोगे तो पहला कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जो ओपी का कंपोनेंट किसके अलोंग लिखना है, एक्स एक्सिस के, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओपी एक्स, ऐसे लिख सकता बाबू, ओपी एक्स लिख सकता हूं ना, ओपी एक्स क्या हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, अच्छा अगर इसको वेक्टोरियल लिखते ओपी एक्स तो ऐसे ही लिखते ए कैप और ऐसे आई कैप लिख देते कि नहीं, कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस लिखते अगर तो इसको क्या लिखते ओपी, वेक्टर ही लिख दे रहा हूं वाई एक्सिस के अलोंग, तो क्या लिखते बाबू, बीजे कैप लिखते कि नहीं, अरे कोई दिक्कत, अगर बोलते कंपोनेंट ऑफ जेड एक्सिस अलोंग व्हाट, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सी के कैप होगा कि नहीं, यहां पे कहां पे, यहां पे मैं बोल रहा हूं अभी जो लिखे हो उसमें, बात समझ में आया, दिक्कत है पोजीशन वेक्टर में, अभी भी नहीं समझ आया, आप लोगों को समझ में आया बाबू, तो जब भी इस तरह का कंसेप्ट आया तो देखा जाए, पूछा जाता है, याद करो एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग ईस्ट के अलोंग फेंक दिए, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड है, तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन बताइए सर, तो बताया ना भी क्रॉस बी पे चले जाएंगे, अलग चीज़ है वो, वहाँ पे डिस्कस करा जाएगा वो, तो इस कंसेप्ट को आप याद रख, हो गया, चलो एक फील्ड के लिए एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, लिखो एक क्वेश्चन जल्दी लिखो, केवल समझ में आ जाए, फील आ जाए आप लोग को, चलिए लिखिए, अ मंकी स्टार्ट्स मूविंग, अ मंकी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, अ मंकी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड ट्रेवल्स 10 meter along south, comma, and then 20 meter along south from that point. And then he finds a pole at that point. And climbs up the pole. To reach its highest point, after covering 3 meter, full stop. What is the net distance? Covered by the monkey. Second part, what will be the displacement of the particle during entire journey? What will be the displacement of the monkey during
एंटायर जर्नी, बताए डिस्टेंस क्या करा हो। देखो ध्यान से, यहां से चलना शुरू किया मंकी, किधर चला बोलो, यहाँ डायरेक्ट ऐसे कर दिया करो, ऐसे मान लिए यहाँ है, यहाँ यहाँ से चलना शुरू किया, किधर चला हो, साउथ 10 मीटर ना, इधर से इधर गया है कितना बाबू, ये 10 मीटर चला यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब उसके बाद वहां से क्या किया हो, वेस्ट केलोंग चला, वेस्ट केलोंग कितना, उसके बाद वेस्ट ही चला है ना, कितना 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा हो, उस पॉइंट पे क्या करा है, वो पोल पाया। अब उस पोल पे क्या, पोल पे कितना कवर करा हो, ये वाला तो यहीं पे लिख देना, कितना 3 मीटर पोल है इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो आप खुद ब खुद बता सकते हो ना डिस्टेंस कितना कवर करा, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ ना होता है जी, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, बता देता हूँ, डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर और 3 मीटर, 33 मीटर हो गया क्या। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पोल, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पोल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, तो आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं। 3 कौन सा कैप, नीचे की ओर माइनस जे कैप, गुड। इधर कौन सा कैप, प्लस 20, कौन सा कैप, माइनस आई कैप, कोई प्रॉब्लम। और ऊपर टॉप पे चढ़ा है प्लस, बोलिए कितना कैप, 3 जे कैप, बताइए। डायरेक्शन माइनस साइन के वजह से डायरेक्शन में अंतर होगा, लेकिन लेंथ में तो अंतर नहीं ना होगा जी। अब इसका मैग्नीट्यूड तो निकालने आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ क्या कीजिएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इज इट सिंपल है कि नहीं, तो कुछ सोचने की जरूरत है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछ जाता है, कभी हेलीकॉप्टर उड़ा देगा, समझ में आ रहा है, कभी कुआं में गिरा देगा, देगा एक ड्रंकर्ड आदमी है वो गिर गया जाकर के कुआं में, इस तरह का झूठ मुठ का केवल थ्योरी दे देगा, इस तरह का बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा, 3-4 जगह भी घुमा सकता है, बोल देगा ईस्ट के लॉन्ग गया, फिर साउथ के लॉन्ग गया, फिर वेस्ट के लॉन्ग गया, फिर नॉर्थ के लॉन्ग गया, किधर भी जाओ जैसे जैसे जाते जाएगा वैसे वैसे पुट करते चले जाएगा, इधर आई कैप मानना है, इधर जे माइनस जे कैप, उधर जे कैप, इधर माइनस आई कैप, ऊपर के कैप, अंदर माइनस के कैप, उसके अनुसार चलते रहे। और ये नहीं है कि ये 3 ही देगा, दौड़ा भी देगा, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह माइनस जे आई कैप आई जे के कैप लिखते चले जाएंगे, क्लियर है, बहुत आसान हो जाएगा। मान लेते हैं सपोज 2 वेक्टर हमने कंसीडर करा, वेक्टर ए कंसीडर करा, तो ए वन आई कैप है प्लस वन, ए टू जे कैप है प्लस वन, ए थ्री के कैप। दूसरा वेक्टर हमने बी कंसीडर करा, वो क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इतना तय है, पहला वेक्टर हमने जो कंसीडर करा है वो कौन सा वेक्टर है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। मैं बोल दूं फर्स्ट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो बताओगे ना, ए वन ए टू ए थ्री आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर, व्हाट आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, इज इट। बी का बात करो तो बी का स्केलर कंपोनेंट्स बी वन बी टू बी थ्री, वेक्टर कंपोनेंट्स बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप। व्हाट इज द वेक्टर, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एक्स एक्सिस, ए वन आई कैप, सॉरी बी बी का पूछा ना, तो बी वन आई कैप हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। जब ये सब अगर सपोज कर लिया हो, लेट अस कंसीडर चलो बच्चा, अब यहाँ पे ऑपरेशन करना है, तो 2 ऑपरेशन वेक्टर कर सकते हो, वेक्टर का एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन करोगे एक दूसरे में, मल्टीप्लीकेशन भी होता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट 2 तरह का होता है, एक वेक्टर और एक स्केलर ना, चर्चा करेंगे। मान लेते हो पहला सीख रहे हो तो सीख ही लो अच्छे से, अब क्या बोलो बताओ जरा, पहला हम लोग एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग एडिशन, तो याद करो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड कर तो वेक्टर ही नहीं मिलेगा जी, तो क्या है ए प्लस बी, अभी वेक्टर लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ मैं, वो क्या हो जाएगा खुद ब खुद बता सकते हैं ना, ए को बी में ऐड करें, आई कैप को आई कैप में, जे कैप को जे कैप में, और के कैप को,
डायरेक्ट लिख दू ना, ए वन प्लस बी वन आई कैप प्लस ए टू प्लस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप। अरे होगा, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखने को बोलेगा तो लिख लोगे कि नहीं? अरे कुछ भी आएगा तो लिख लो, अंडर रूट ए वन प्लस बी वन का होल स्क्वायर प्लस ए टू प्लस बी टू का होल स्क्वायर प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री का होल स्क्वायर, वही ना मैग्नीट्यूड होगा इसका। गुड, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस बोल देता हूं, डिफरेंस ले लो। तो आपका दो ही ना, यहां पे ए माइनस बी लोगे या फिर बी माइनस ए? अरे यही ना, ए माइनस बी लो तो आता तो है ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो क्या लिखिएगा बताइए? ए वन माइनस बी वन आई कैप प्लस व्हाट, ए टू माइनस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, थर्ड, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर या मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय अ स्केलर पी, मान लेते हो पी कोई नंबर है, तो क्या लिखना है? ए, तो पी टाइम्स वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं बाबू, यही ना होगा? तो पी टाइम्स वेक्टर ए लिखेगा तो पी इंटू क्या, ए वन आई कैप प्लस वट ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। फर्दर यू कैन डू इट, यस, कोई दिक्कत? अच्छा, फोर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अभी अलग से इसका लेक्चर लिया जाएगा ना, अलग से इसका क्लास करा जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे ही, अभी तुरंत पढ़ेंगे कुछ देर में ना, लेकिन जब यहाँ लिख रहे हैं तो लिख लो, अभी थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करेंगे। याद रखना वेक्टर का दो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का दो तरह का प्रोडक्ट होगा। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट, क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, ऑब्वियस है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा ना, इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, कौन सा? एक वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट करोगे वेक्टर क्वांटिटी आएगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी आएगा, मतलब आई जे के टर्म में आएगा ना, याद रखना। अभी तो समझाना है इसलिए मैं समझा देता हूँ, केवल लिख दो। जैसे अगर दो वेक्टर ले रहे हैं हम तो ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बाबू हम लोग? ए डॉट बी लिख रहे हैं, ए वेक्टर को डॉट करा गया किसके साथ? बी के साथ। ये मीनिंग है यहाँ पे, वेक्टर इज मेड टू डॉट विथ व्हाट? वेक्टर बी। तो याद रखना, पढ़ाएंगे आगे चल करके, अभी लिख दे रहा हूँ। ए वन ए टू, देखो आई कैप को आई कैप में, जे कैप को जे कैप में, और के कैप को के कैप में मल्टीप्लाई करेंगे। ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, याद रहेगा ना? देखो स्केलर नंबर है ना, स्केलर ही ना है, क्या है? स्केलर है। डिस्कशन करा जाएगा इसका डिटेल से। अच्छा, ए क्रॉस बी अगर लिखना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाता है। अब इसका वैल्यू अलग है इसलिए मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूं अभी तत्काल। आई जे और के यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस हमने लिख दिया। अब बताओ आई के अलोंग पहला वेक्टर कौन सा है आपका? यहाँ पे ए ना, तो ए का स्केलर कंपोनेंट्स लिखिए। ए वन है आई के अलोंग, जे के अलोंग, के अलोंग, बताइए। बी है सेकेंड वेक्टर, बी का स्केलर कंपोनेंट्स बताइए, आई के अलोंग, जे के अलोंग और के अलोंग, हो गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको? दो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल वन, चलिए ध्यान से। वेक्टर ए ले लिया हमने, मान लेता हूँ थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, और वेक्टर बी बोलो, बोलो आप लोग, बोलो क्या बोलोगे, बोलो जी बाबू, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप फाइव के कैप, चलो लो फाइव के कैप। चलिए बताइए जरा, आपसे पूछा जाएगा, पहला बात जिनसे पूछूंगा मैं वही लोग बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, आराम से लिख लोगे ना? क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाबू? थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, आगे तो कर लोगे ना, फर्दर यू कैन, दिक्कत? सेकेंड बताइए, वेक्टर ए प्लस बी बताइए, तो वेक्टर ए प्लस बी जोड़ रहे हैं थ्री टू
प्लस माइनस थ्री, फोर माइनस फाइव, कोई प्रॉब्लम? अब अगर बोला इसी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछ दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, वेक्टर ए प्लस बी, हाउ विल रिप्रेजेंट इट? अरे देखोगे ना क्या हो जाएगा बाबू, बताइए जरा। अंडर रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, अभी मत सोचना कि माइनस वन लिखे, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही ना होगा, ये क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट लिखते हैं केवल, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा ना, फर्दर यू कैन, अरे लिख लोगे, यहाँ लिख लोगे ना, गुड। अच्छा थर्ड बताए, डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ऑफ बोथ वेक्टर्स ए माइनस बी, ए माइनस बी बताएगा, शुभम बताएगा, बताएगा, बोलेगा थ्री माइनस टू वन आई कैप हो गया, गुड वेरी गुड। हाँ चलिए, माइनस वन जे कैप, नहीं रे डोंडो, प्लस फाइव जे कैप हो जाएगा ना, टू माइनस माइनस थ्री। अच्छा ये बताओ, कोई दिक्कत? अब बताओ मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, बताइए जरा क्या हो जाएगा बाबू, ए माइनस बी लिख लोगे आसानी से ना, क्या हो जाएगा बताइए, वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस माइनस, फर्दर यू कैन, चलिए बाबू कोई प्रॉब्लम है इसमें, चलिए। अच्छा अब अगर आपसे पूछता हूँ व्हाट आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फाइव माइनस वन माइनस वन, व्हाट आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फाइव आई कैप माइनस वन जे कैप माइनस वन के कैप, व्हाट आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वन फाइव नाइन, वन कोमा फाइव कोमा नाइन, व्हाट आर द वेक्टर कंपोनेंट्स, कोई दिक्कत, समझ आया आप लोगों को, इसी से कुछ भी ट्विस्ट कर सकता है, जैसे देखो इसमें उतना टाइम इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, आसानी है इसीलिए ना, जैसे कुछ भी बोल सकता है, फोर्थ मान लेता हूँ समझाने के लिए, बाबू बोल रहे यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, मैं पहले भी बोल रखा हूँ बाबू कि ए प्लस बी तो वेक्टर ही ना है, तो क्या होगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे कि नहीं, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ऐसे तो नहीं निकल जाएगा यूनिट वेक्टर बाबू, क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी क्या है, फाइव फाइव कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, बात समझ आता है, कोई दिक्कत कर लोगे ना, अगर बोल देगा वैसे ही फिफ्थ, अगर बोल दे यूनिट वेक्टर अलोंग ए माइनस बी, यूनिट वेक्टर अलोंग ए माइनस बी, बताइए अलोंग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अब खुद लिख दोगे कि नहीं, क्या हो जाएगा बताइए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन इट्स मॉड, लिखा हुआ है ना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्या निकाले हो बाबू बताइए, वन आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस, अरे मैं स्पीड नहीं ना हूं बाबू, अब बताओ अंडर रूट में क्या लिखोगे, वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर लिखोगे क्या, एम आई राइट और नॉट? अच्छा अब ये पूछ देता, बोलता सिक्स में एक वेक्टर किसके अलोंग, ए प्लस बी के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड फाइव यूनिट, वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग ए प्लस बी हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड एट यूनिट या टेन यूनिट जो भी है, आराम से लिख देते कि नहीं, रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी व्हाट, टेन टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, तो क्या होता, फाइव आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, फाइव का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, देखो टफ है क्या। अच्छा अभी कभी अगर इस तरह का बोलता है, जैसे फिर मान लेता हूँ ऐसे बोल देगा, बताइए थ्री ए प्लस टू बी का वैल्यू बताइए, अरे स्केलर कंपोनेंट्स है, ये स्केलर से मल्टीप्लीकेशन है, थ्री में वेक्टर ए में स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ क्या लिखोगे, थ्री वेक्टर ए कितना है बताइए बाबू, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप,
प्लस टू टाइम वेक्टर बी, बताइए वेक्टर बी कितना है बाबा, टू आई कैप थ्री जे कैप। हाँ एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा मैं रिपीट करूँगा ना, लेकिन सीखते चलो, अगर ये सब सीख गए तो आगे बहुत दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत आसानी से समझ में, वेक्टर बहुत जरूरी है। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, बताइए थ्री थ्री जा जी नाइन आई कैप, फिर बताओ फिर बोलिए प्लस ट्वेल्व के कैप प्लस फोर आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस टेन के कैप, कोई दिक्कत। अब बताओ जरा नाइन फोर, अब ऐड कर लोगे ना आई कैप को आई कैप में, जे कैप को जे कैप में, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए नाइन आई कैप तो नाइन फोर, थर्टीन आई कैप सिक्स जे कैप माइनस सी जे खत्म ना, प्लस ट्वेल्व के कैप तो जीरो जे कैप, समझना कुछ नहीं है इसका मतलब जीरो जे कैप ना, फिर क्या बोलोगे ट्वेल्व तो क्या हो जाएगा प्लस टू के कैप, कोई दिक्कत। फिर से अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो ये कर देते, तो समझ में आया ना सारा अप्रोच यही। अच्छा एक बात बताओ, भले इसका वैल्यू नहीं निकाल, लेकिन निकाल सकते हो ना आप लोग, बताओ अगर मैं बोलता है यहाँ पे इधर तो कर लोगे ना, अरे हो गया ना एट, मैं समझाने के लिए क्यों, अगर ए डॉट भी लिखना होता ए डॉट भी लिख देते ना बाबू, याद रखना यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, कौन सा डॉट प्रोडक्ट, तो क्या लिखते हैं बताइए थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू प्लस बताइए टू इंटू माइनस थ्री प्लस बताइए फोर इंटू माइनस फाइव, ये कौन सा प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है। अब आगे तो कर ही लोगे सिक्स माइनस सिक्स माइनस आया क्या, तो क्या हो गया माइनस ट्वेंटी, समझ आ रहा है ना, जो भी रहा हो यूनिट में हो ये डॉट प्रोडक्ट है ना। ऐसे प्रोडक्ट का अलग से लेक्चर दूंगा मैं, लेकिन अभी सीख गए ना ये, चलिए फिर इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा अगर बोलता क्रॉस प्रोडक्ट तो कम से कम ए लिखना तो सीख जाओगे ना, एक क्रॉस भी लिखना है तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना तो सीख जाइएगा ना आप लोग कम से कम। बताइए क्या लिखते हैं आप, आई कैप जे कैप के कैप, बताइए फर्स्ट वेक्टर कौन सा है ए, ए क्रॉस भी लिख रहे हो, बी क्रॉस ए नहीं लिख रहे हैं आप, ए क्रॉस भी लिख रहे हो, तो फर्स्ट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या, थ्री टू फोर, वेरी गुड। बी का टू माइनस थ्री माइनस फाइव, अब आगे बताया जाएगा, अगर बी क्रॉस ए लिखना होता तब तीन, बी क्रॉस ए लिखना है तो आप बताओ पहला वेक्टर आपका बी ना हो गया जी, पहला तो ए तो लिख ही लेना है, फर्स्ट रो में आई जे के कैप लिख ही लेना है, फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप लिख ही लेना है। अब बताओ फर्स्ट वेक्टर बी है ना, बी का स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन सा, टू माइनस थ्री माइनस फाइव ए थ्री टू और फोर, फिर वैल्यू निकालना सिखलाऊंगा अभी इतना सीख लो, कोई दिक्कत। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखो आप लोगों को क्या आएगा, जैसे देखो अभी एडिशन करना सीखे आप लोग, अब रिजोल्व करना सिखला रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस, ठीक है इतना तो तय है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 90 डिग्री, एम आई राइट। कोई भी एक वेक्टर ले लिया, कोई भी एक वेक्टर है, अभी पोजीशन वेक्टर वगैरह तो समझाए हो आप लोग, कोई वेक्टर हमने कंसीडर करा, मैं मान लेता हूँ कोई वेक्टर है ऐसे, अब बताओ वेक्टर का क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस वेक्टर का नाम ही क्या है, ओपी, याद है हम लोग लेते थे यही कंसीडर करते थे बाबू, उसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, मुझे कोऑर्डिनेट पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है कि इसका कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं आप एक्स और वाई लिखते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा है हम एक्स कोमा वाई, ये सोचने का बात है, आप एक्स क्या लिखते थे याद कीजिए, तो यहां से है एक्स डिस्टेंस होता था ना आपका, और यही ना वाई है, ग्राफ स्केच किया टेंथ क्लास में ना, ठीक है वाई यही ना है। तो अब आपको यहाँ पे तो सबसे पहले आप क्या देखिए कि एंगल, एंगल को गौर करना, किस पे गौर करना, एंगल पे गौर करना, ये एंगल क्या है आपका थीटा, समझाने के लिए कोई थीटा नहीं,
समझाने के लिए थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक है। याद रखना जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहा इस तरह का अगर रहेगा तो आप किस वेक्टर को रिजोल्व करोगे, क्या सारे वेक्टर्स को रिजोल्व करोगे? नहीं, दोज वेक्टर्स विल बी रिजोल्व विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, इज इट? या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, दोज वेक्टर्स विल बी रिजोल्व विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जो नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ना ही एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको रिजोल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का ऑलरेडी पता है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, लिख देंगे डायरेक्ट एक्स आई कैप, समझ आ रहा है? और वाई के अलोंग पता ही, अगर इसके अलोंग है तो डायरेक्ट लिख देंगे वाई जे कैप। लेकिन ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, ना ही एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ओपी को रिजोल्व करेंगे। याद रहा, इसको थोड़ा थंब रूल मान लेना, दोज वेक्टर्स विल बी रिजोल्व विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इज इट? तो अगर बात करें यहाँ पे ओपी को रिजोल्व करो, तो ये तो पता है एक्स कितना लेंथ हो जाएगा, पढ़ा हुआ है ना, ये ओपी पूरा, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना, ओपी बोलते हैं ना हम लोग, लेंथ ओपी ही ना है, मैग्नीट्यूड ओपी ही ना है। तो आप बताइए, इस ट्रायंगल में चलिए, अगर बचपन से पढ़ते आए हैं तो बताइए, इसको और इसको कौन रिलेट करता है? थीटा है ना, एंगल ऑफ रेफरेंस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना और ये बेस हो गया ना, तो बताइए इसको और इसको कौन रिलेट करेगा, इसको और इसको कौन रिलेट करेगा, एक्स और इसको कौन रिलेट करेगा, बी और एच को कॉस थीटा, ये भी तो वाई ही ना है, यहाँ से यहाँ वाई ही ना है बाबू, गौर करो, ये वाई ही ना है। और पी और एच को कौन रिलेट करता है, साइन थीटा। तो आप अगर यहाँ लिखते, बच्चा जैसा एकदम बता रहा हूँ, साइन थीटा किसके बराबर बताइए, साइन थीटा किसके बराबर, पी बाई एच, तो साइन थीटा पी इसके लिए वाई अपॉन एच कितना ओपी, कोई दिक्कत? तो ओपी बताए, वाई किसके बराबर हो गया बाबू, ओपी साइन थीटा हुआ क्या, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताइए यहाँ पे कॉस थीटा से चलिए, आप किससे चलो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, आप बोलो कॉस थीटा क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा ही एक्स और ओपी के बीच रिलेशन दे रहा है, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बोली एक्स अपॉन ओपी, तो बताइए एक्स किसके बराबर बाबू, ओपी कॉस थीटा, एम आई राइट? तो पता चल गया एक्स किसके बराबर रहा, एक्स जो रहा यहां से यहां जो लेंथ रहा वो क्या रहा, एक्स किसके बराबर, ओपी कॉस थीटा, और वाई किसके बराबर, ओपी साइन थीटा। तो बताइए अब पी का लिख सकते हैं कि नहीं, ओपी कॉस थीटा आई कैप प्लस ओपी साइन थीटा जे कैप, कोई दिक्कत? तो ओपी वेक्टर को रिजोल्व कर दिया हमने, ओपी वेक्टर को हमने क्या किया, रिजोल्व किया। तो ओपी वेक्टर को कैसे लिखा, दो कंपोनेंट में, ओपी कॉस थीटा आई कैप प्लस ओपी साइन थीटा जे कैप। अब इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स बोलोगे तो नहीं बता दोगे, स्केलर कंपोनेंट्स क्या रहा, ओपी कॉस थीटा ओपी साइन थीटा, या फिर बोल सकते व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ओपी अलोंग एक्स एक्सिस, ओपी कॉस थीटा, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या रहा, यहाँ पे बात समझ में आया, रिजोल्यूशन है, वेक्टर को हमने रिजोल्व किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए जरा, ऐसे क्या हो, एक्स है ये वाई एक्सिस है और वो एक्स एक्सिस है ना, तो प्रॉब्लम बाबू बताइए, जैसे अगर कोई बोल दिया ऐसे ये एफ वेक्टर है, क्या है एफ वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है ये वाला एफ, ये टू एफ है और यहाँ 30 डिग्री, मान लेते हैं वैसे ओ है और ये ए है, ये पॉइंट ए है, ओ है और ये बी, बताइए किसको रिजॉल्व कीजिएगा, ओ ए को रिजॉल्व करोगे क्या, ओ ए को रिजॉल्व करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के लोग, तो बोलेगा ओ ए वेक्टर लिख करके दिखा, तो ओ ए वेक्टर लिख करके दिखाऊंगा, कैसे दिखाइएगा बाबू बताइए, एफ आई कैप लिख दोगे सिंपली की नहीं, कोई दिक्कत, तो प्रॉब्लम, अच्छा अब बताइए ए ओ बी वेक्टर, ओ से बी वेक्टर, ओ से वेक्टर डायरेक्ट फ्रॉम ओ टू बी, ओ बी वेक्टर लिखते तो कैसे लिखते बताइए, आप लिख सकते हैं ना 30 डिग्री
क्या लिखते, ओबी, मैं यहां लिख देता हूँ थोड़ा ना, यहां लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप सो। ओबी वेक्टर लिखते तो क्या लिखते, अब उतना रटने की जरूरत नहीं, जिससे थीटा उसके अलोंग कॉस, और जो थीटा नहीं है उसके अलोंग साइन। तो जिससे थीटा पता है आपको उसके अलोंग कॉस, इधर क्या हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस, तो क्या लिखते, ओबी कॉस 30 डिग्री, कौन सा कैप, माइनस आई कैप, कोई प्रॉब्लम, सॉरी माइनस जे कैप ना, माइनस जे कैप प्लस, बताइए, ओबी साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, कौन सा कैप, माइनस आई कैप, रिजोल्व कर दिया कि नहीं, आप कोई प्रॉब्लम है, अच्छा यहां पे कोई ले लिया ऐसे ऐसे लिखा है, ओ से है, ए है ऐसे, ये बी है, ये सी है, ऐसा दे दिया, यहाँ 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो आप बताइए यहाँ पे ए बी को रिजोल्व करने की जरूरत है क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल, बी सी को रिजोल्व करने की जरूरत है क्या, किसके अलोंग है, किसको रिजोल्व करोगे, ओए को ही, ओए को ही ना रिजोल्व करेंगे, बात समझ में आया, तो ये सब ध्यान रखना, क्या ध्यान देना है इसमें बताइए, कौन सा वेक्टर रिजोल्व करा जाएगा, दोज वेक्टर्स विल बी रिजोल्व विच इज नेदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अच्छा अच्छा इलस्ट्रेशन लेंगे इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ एग्जांपल लेंगे, मैकेनिक्स का कुछ प्रॉब्लम लेंगे, रिजोल्व करना सिखलाएंगे वहां पे ना। कैन आई स्टॉप राइट नाउ, आज इतना ही, ठीक है।